स्वागत है आपका रेसलिंग चैंपियन यूट्यूब चैनल पर। तो इसी वीडियो में हम बात करेंगे रोमन रिंग और विंस मैकमैन के बारे में, मतलब बात करेंगे विंस मैकमैन के द्वारा किए गए 4 इंसिडेंट के बारे में जिस इंसिडेंट्स ने रोमन रिंग्स का करियर बर्बाद कर दिया। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंसिडेंट जो आता है और वो है इतने सारे रेसलमेनिया के इवेंट्स में मेन इवेंट करना। ये विंस मैकमैन की सबसे बड़ी गलती थी रोमन रिंग्स को हर रेसलमेनिया में मेन इवेंट करवाना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि रोमन रिंग्स डिजर्व नहीं करते रेसलमेनिया में मेन इवेंट करना, वो डिजर्व करते हैं, पर अब रोमन रिंग्स विंस मैकमैन की फेवरेट्स की लिस्ट पर पहले नंबर पर हैं। तो रोमन रिंग्स के लिए रेसलमेनिया का पहला मेन इवेंट था रेसलमेनिया 31 में, जब उनका मैच था ब्रॉक लेजनर के साथ। तब मैं मानता हूं कि ये रोमन रिंग्स का डिजर्विंग स्पॉट था कि रोमन रिंग्स रॉयल रंबल जीत कर आए थे और रॉयल रंबल के बाद फास्ट लेन में डैनियल ब्रायन के साथ मैच भी जीते थे। फिर इसके बाद रोमन रिंग्स ने ये मैच अर्न किया था रेसलमेनिया मेन इवेंट में, तो ये था डिजर्विंग। लेकिन अब हम बात करें रेसलमेनिया 32 की। विंस मैकमैन ने रोमन रिंग्स को बेफालतू ही रेसलमेनिया के 32 इवेंट में मेन इवेंट करवाया और ये मैच था ट्रिपल एच के साथ, और WWE फैंस से इस मैच को लेकर कोई भी इंटरेस्ट नहीं आया। बल्कि जो रेसलमेनिया 32 में मेन इवेंट होना चाहिए था वो होना चाहिए था अंडरटेकर वर्सेस शेन मैकमैन हेल इन अ सेल मैच। WWE ने इस बार भी रोमन रिंग्स को मेन इवेंट करवाया। तो अब बात करें रेसलमेनिया 33 की, तो इसमें भी रोमन रिंग्स मेन इवेंट पर आए, और हम बात करें रेसलमेनिया 34 की, और इसमें भी रोमन रिंग्स मेन इवेंटर के तौर पर आए। और इसके बाद WWE फैंस को यह पता चल गया कि रोमन रिंग्स को विंस मैकमैन की तरफ से बड़ा पुश मिला हुआ है, और जब फैंस को ये बात रियलाइज हुई और इसके बाद ही WWE फैंस रोमन रिंग्स के लिए चीयर से कन्वर्ट होकर बू पर आ गए। मतलब जब उन्हें ये बात रियलाइज हुई कि रोमन रिंग्स को बड़ा पुश मिल चुका है, तब से वो बू करने लग गए। तो ये था पहला इंसिडेंट। तो बात करते हैं दूसरे इंसिडेंट की। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ना मैं रोमन रिंग्स का फैन बोल रहा हूं, ना ही रोमन रिंग्स का हेटर बोल रहा हूं, मैं अभी WWE का तगड़े वाला फैन बोल रहा हूं। दूसरे इंसिडेंट में आता है रॉयल रंबल 2016 का मैच। तो उस मैच का कंसेप्ट था वन वर्सेज ऑल, तो वन थे रोमन रिंग्स और ऑल पर आते हैं WWE के बाकी सुपरस्टार्स जैसे बिग ई, डॉल्फ ज़िगलर, एजे स्टाइल्स, रूसेव, डीन एम्ब्रोस, सेथ रॉलिंस। और WWE फैंस इस बात से चिढ़ गए कि रोमन रिंग्स को ही क्यों बनाया जा रहा है वन, रोमन रिंग्स को ही क्यों मिल रही है इतनी सारी प्रायोरिटी। विंस मैकमैन का इसके लिए ओरिजिनल प्लान था कि रोमन रिंग्स को वन वर्सेज ऑल में दिखाया जाए, रोमन रिंग्स को WWE फैंस से सिंपैथी मिले, लेकिन हुआ उसका ऑपोजिट। आप अभी भी वो मैच देख सकते हैं, उस मैच में रोमन रिंग्स को बहुत ही ज्यादा हेट मिली, तो विंस मैकमैन का ये प्लान भी फेल हुआ। तो अब बात करते हैं तीसरे इंसिडेंट के बारे में, और वो था अंडरटेकर का रोमन रिंग्स के हारना रेसलमेनिया में। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा डिसीजन नहीं था, हार जीत तो एक मैच में चलती रहती है। विंस मैकमैन ने रोमन रिंग्स के लिए इस मैच में जीत चुनी, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन गलत बात यह है कि ये गलत टाइम था। जब WWE फैंस को पहले ही पता चल चुका था कि रोमन रिंग्स को भी बड़ा पुश मिला हुआ है, और उस पुश के कारण ही वो बू करने लग गए थे, तो उस हेट का भार अभी उतरा ही नहीं। इसके बाद विंस मैकमैन ने अंडरटेकर को हरवा दिया रोमन रिंग्स से, तो इसके बाद WWE फैंस का हेट सुपर हेट में बदल गया। क्योंकि आपको तो पता ही है कि अंडरटेकर सबके दिलों में बसते हैं, मतलब अंडरटेकर सबके फेवरेट हैं, उन्हें कोई ऐसा सुपरस्टार हरा दे जिसे एक पुश मिला हो, तो WWE फैंस इसे हैंडल नहीं कर सके। इसका गुस्सा हमने रॉ आफ्टर मेनिया में देख लिया था, जब WWE फैंस ने रोमन रिंग्स को एक भी शब्द बोले नहीं दिया था। ये विंस मैकमैन की बहुत बड़ी गलती थी, इसके बाद से रोमन रिंग्स का करियर थोड़ा सा हिल गया। तो अब बात करते हैं चौथे इंसिडेंट के बारे में। तो वैसे ये इंसिडेंट तो नहीं है, पर ये फ्यूचर में हो सकता है, वो है रोमन रिंग्स का हील टर्न। जी हाँ, तो ये विंस मैकमैन से सबसे बड़ी गलती हुई है, रोमन रिंग्स को अभी तक हील नहीं बनाया। तो जिस तरह से विंस मैकमैन देख रहे हैं कि रोमन रिंग्स को इतना हेट मिलता है WWE फैंस से, और वो भी एज ए फेस कैरेक्टर पर इसके बावजूद भी विंस मैकमैन ने रोमन रिंग्स का हील टर्न नहीं करवाया। तो अगर आप सोच रहे हो कि रोमन रिंग्स के हील टर्न से क्या फायदा होगा, रोमन रिंग्स को तो डबल बू मिलेगी, की बात सच है कि रोमन रिंग्स को और बू मिलेगी हील टर्न के बाद, लेकिन वो हेट का एक कारण होगा और वो कारण होगा हील टर्न। और अब WWE लेजेंड्स भी कहने लगे हैं कि रोमन रिंग्स को भी हील टर्न कर लेना चाहिए। तो आप एग्जांपल के तौर पर सेथ रॉलिंस को देख सकते हैं, ऐसे पहले वो WWE में हील थे आपको याद ही होगा, और अब सेथ रॉलिंस फेस कैरेक्टर बने हुए हैं, तो कैसे विंस मैकमैन ने सेथ रॉलिंस को हील से एक फेस सुपरस्टार बना दिया। तो ऐसा ही विंस मैकमैन ने रोमन रिंग्स के साथ भी करना था, रोमन रिंग्स को 1-2 साल के लिए हील बनाते और 1-2 साल के बाद रोमन रिंग्स लेते 3-4 महीने का गैप, और इस गैप से एक बड़ा फायदा होगा, WWE फैंस रोमन रिंग्स को याद करने लगेंगे और उसी याद से रोमन रिंग्स के लिए चीयर निकलेगी। सेथ रॉलिंस के साथ भी यही हुआ था, पहले वो हील बने, उसके बाद सेथ रॉलिंस ने 4-5 महीने के लिए WWE से गैप लिया, और जब आए तो फेस कैरेक्टर में आए, उसके बाद WWE फैंस सेथ रॉलिंस को चीयर करने लगे। विंस मैकमैन से बड़ी गलती हुई कि अगर रोमन रिंग्स को बू मिलती ही है तो उन्हें हील कैरेक्टर में डालना चाहिए। उसके बाद जैसे सेथ रॉलिंस को कन्वर्ट किया है हील से फेस सुपरस्टार तक, तो वैसे ही रोमन रिंग्स के साथ करते। लेकिन अब हम अगर रोमन रिंग्स की बात करें, तो जिस तरह की हालत अभी रोमन रिंग्स की अभी बनी हुई है, ये हालत ना बन विंस मैकमैन ये 4 गलतियां नहीं करते। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप रोमन रिंग्स को कैसे देखना चाहते हैं, मतलब रोमन रिंग्स एज ए फेस और एज ए हील। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और WWE की लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें। With
Go, go, go.